पंचायती राज चुनाव के द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में जुट चुका है। बाड़मेर में द्वितीय चरण के तहत 22 जनवरी को चुनाव होंगे। द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों व पीठासीन अधिकारियों को रविवार को पीजी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद पुलिस टीम व जरूरी सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। बाड़मेर जिले में द्वितीय चरण के तहत होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनाव पार्टियों को रविवार को रवाना किया गया। दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों के नाम निर्देशन आवेदन पत्र स्वीकार करने, उनकी समीक्षा, चुनाव प्रतीकों के आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के लिए जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय से दलों की रवानगी रविवार को हुई। द्वितीय चरण के लिए उम्मीदवार 13 जनवरी को प्रातः 10:30 से 4:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 14 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन किया जाएगा। ऐसा जैसे मतलब जो मूल पॉइंट बेसिकली यही है कि चुनाव बेसिकली आप ही करा रहे हैं, हम सब सपोर्टिंग हैंड है। असली चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अधिकारी है और आप क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी हो तो चुनाव आप करा रहे हो। मेरे हिसाब से इस फेज के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सेंसिटिविटी का ज़्यादा समस्या बनती नहीं है, बट फिर भी जैसा मेरी जानकारी में है पुलिस, यदि उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं लगता है कि साहब यहाँ व्यवस्था खराब हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो भी आज शाम तक आप अपने संबंधित एसडीओ को बता सकते हैं। द्वितीय चरण के तहत चुनाव वाली ग्राम पंचायतों के लिए मतदान दलों को 21 जनवरी को मतदान दलों के लिए रवाना किया जाएगा, जहां वे 22 जनवरी को प्रातः 8 बजे से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। इसके अगले दिन 23 जनवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। इधर जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मय पुलिस जाप्ता संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप, एडीएम राकेश कुमार शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, मास्टर ट्रेनर्स ने पंचायती राज चुनाव संपादित करवाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।